दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। कोरोना से भारत की भीषण लड़ाई में अमेरिका ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो भारत को वैक्सीन बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही में ये भी कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर और पीपीई किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्वीट किए हैं। ब्रिटेन भी भारत के लिए कोरोना इलाज से जुड़े 600 इक्विपमेंट्स भेज रहा है। रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप यूके से रवाना भी हो गई, जो मंगलवार तक दिल्ली पहुंच सकती है। सऊदी अरब से भी 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन से भरा जहाज भारत के लिए रवाना हो गया है। वहीं यूएई ने भारत के लिए अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर #StayStrongIndia का मैसेज दिया। बाकी दुनिया की बात करें तो ईरान ने भी अपनी कोरोना वैक्सीन कोव ईरान बनाने की घोषणा की है। तीसरे फेज के ट्रायल वाली इस वैक्सीन के बारे में ईरान ने कहा कि ये कोरोना पर 70% तक प्रभावी हो सकती है। वहीं इराक के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से लगी आग में 80 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में सिखों ने एक सिख युवक का पता लगाने की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन स्थल पर समुदाय के नेता सरदार परविंदर सिंह ने कहा कि लापता हुआ अविनाश सिंह पढ़ा लिखा था और उसके परिवार में किसी के गलत लोगों से संबंध नहीं थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार से मांग की है कि जल्द ही लापता युवक का पता लगाया जाए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने उस्मानिया साम्राज्य के दौरान आर्मेनियाई लोगों को देश निकाला और उनकी हत्या को नरसंहार करार देने के अमेरिका के फैसले का विरोध करने के लिए अंकारा में अमेरिकी राजदूत को तलब किया। तुर्की का कहना है कि यह हमारे रिश्तों के लिए नासूर जैसा है और इस जख्म को कुरेद कर अमेरिका ने तुर्की के लोगों को आहत किया है और अमेरिका के इस बयान को तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से अवैध करार दिया है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ताइवान कार्ड खेलना बंद करे, वरना ये आग से खेलने जैसा होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच मतभेद बने हुए हैं क्योंकि अमेरिका अपनी गलत फहमियों को बरकरार रखे है और वो चीन के साथ सही तरीके से पेश आना सीख नहीं पा रहा है। एक अमेरिकी थिंक टैंक के साथ विदेश मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए वांग यी ने अमेरिका और चीन के बीच विन विन सिचुएशन पर आधारित रिश्तों की वकालत भी की। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड्स यानी 93 ऑस्कर्स भारत के लिए खास बन गए। इसके मेमोरियम सेक्शन में हॉलीवुड स्टार्स के साथ बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा फिल्म नोमैडलैंड के निर्देशक चोल जाओ ने बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। चोल जाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीता है। इसी के साथ चोल पहली चीनी अमेरिकी महिला और वुमन ऑफ कलर बन गई हैं जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। इसके अलावा चोल एकेडमी अवार्ड के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला है। वहीं एक साल में 4 ऑस्कर नॉमिनेशन अपने नाम करने वाली वो पहली महिला है।